ए ममता, हाँ जी मैम जी, मेरी ताई ने के खाके पैदा करी थी, मेरा निके खाके पैदा करी थी। निकड़े दे सिक्के और टैलेंट या दा मेरे सीमा दे ओ होनन दी के बीरा तन्ने नू तमा के ली थी। जब उस टाइम में भगवान ने याद कराया कर दी कि आज मेरा कोई नहीं यार, मैं तो फंस गई हूँ, छोड़ू तो मरगी और आगे बढ़ू तो मरगी। है एक गिलास पे, दूसरे गिलास पे, तीसरे गिलास पे, चौथे पे, और भाई पांच। मेरी माँ भी है ना, मतलब पड़ोस में जा कहने बोली कि मेरी छोरी का प्रोग्राम आ रहा, दिखाई हो। मेरा ढोल कुए मैं लटका सा है, मेरा ढोल कुए मैं लटका सा है। कि भाई तुम मेरी फैमिली का गुजारा चला दो, मेरे बच्चा ने पढ़ा दो, मैंने क्यों तुम तंग करने लाग रहे हो। बात है, हमारी देसी चीजा में इतनी ताकत है। हाँ बालकपन से नीम की दातन करा करती इब तब। भाई मैं तो देख देख, सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और एक चीज आपने सुनी होगी कि हुनर सड़का पे तमाशा करा है और किस्मत में लमराज करा है, लेकिन जिसमें हुनर है ना वो अपनी किस्मत ना बदल दे है। तो आज पहुंच रहे हैं हमें हिसार के बास गांव में, और मारी के लिया है ममता शर्मा। हाँ जी, और ममता का टैलेंट आप देख कर सच में नहीं कहोगे, सच में टैलेंट तो के है, बड़ा गजब का टैलेंट है। और ईब हमने है जो इसके ऊपर सिर पे सिलेंडर रखा है, और वो टोकनी भी मन रखी है, ममता बैठ गई थी। तो ममता ने इतना टैलेंट कड़े तो सीखा, तो पूछेंगे तो पहले ममता जी आप दिखा दो के रहा करो, क्योंकि मैंने आपका वीडियो में देखा ही थी, आज शाम ही तो देख रही हूँ। ठीक है मैम, मैं सारे दिखाऊंगी बारी बारी। अच्छा यो नाच के दिखाऊंगी। अच्छा ऊपर रख के डांस भी कर लोगे साथ में? हाँ जी मैम, आपके चैनल का नाम बताओ, मैं राम राम करूंगी। अच्छा हरियाणा वाणी दालो कलेक्स प्रेक्स दो हैं। हरियाणा वाणी चैनल के दर्शक ने मेरी प्यार भरी राम राम जी। मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के बीरा, मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के बीरा, तन्ने नू ढूंगे पैरा खू हो नंदी के बीरा, तन्ने नू ढूंगे पैरा खू हो नंदी के बीरा। वही गजब का टैलेंट है, मतलब मैंने तो है ना, मैं देख कर देख रही हूँ, कदे गिर जा कदे गिर जा, तो पर इतना बैलेंस है ममता जी, इतना बैलेंस है। हाँ जी मैम, बस है आप सभी की दया दुआ, माता रानी की कृपा है, जो मेरा भी इस दुनिया में उसने नाम कर दिया और यो टैलेंट दे दिया। तो भाई देखो, यो आप देख लाग रहे हो कि पहले गिलास है जो अपने जो पुराने गिलास होया करते तांबे, उसके पित्तल के, पित्तल का कितना बड़ा गिलास, उसके ऊपर सिलेंडर है, सिलेंडर में कितना वजन हुआ है, उसके ऊपर दोगड़ है, मतलब दो टोकनी रखी है, और इतना बैलेंस रखना गजब की बात है। और ममता जी की वीडियो भी खूब वायरल हुई थी, और वायरल हो भी क्यों ना, वायरल होनी चाहिए, ऐसा टैलेंट है कि सबने बेरा भी पटना चाहिए, क्यों ममता जी? हाँ जी मैम, टैलेंट है, बता आप तो एक चीज दिखाई थी, दूसरी चीज दिखाऊंगी, इसके ऊपर रख दूं। हाँ जी बस बस, हाँ एक और टोकनी, एक और टोकनी रखनी है भाई। सेंटर में सारी, हाँ लो भाई, तो गजब का काम है, इतना बैलेंस मानना पड़ेगा ममता कि आप में गजब का टैलेंट है। किस प्रकार तो मतलब आप इतना रोक लो हो वो बेरा ने जी, बस रुक जाओ है, रुक जाओ हो। और यो जो टैलेंट है तो कितने साल से सीख रखा है? यो तो गान बजान का, खटका नाचन का, यो तो मेरे बालकपन से था। अच्छा। फिर ये मैंने मौका मिल रहा है कि बस मैं रहूं ना रहूं, यो इतना बखेर दू कि यो अमर हो जावे, और संस्कृति मारी कति नू बस आने वाले जो जनरेशन है वो पूरा पूरा इस पर ध्यान देवे कि भाई देख लो हमारी संस्कृति में ये होया करता पहले जमाने में। बिल्कुल, वो क्या करा ना, बोला गावन की खटक में लक्ष्मी जोड़ा होया शरीर का। हाँ जी, तो या खटक है और यो टैलेंट है और जुनून भी है, और या जो संस्कृति है ना, या तो मेरे इसमें खून में रम रही है। बिल्कुल, मतलब देखो एक चीज मैं आपने बता दूं, पर देखो बैलेंस बनाती है ना, कितना जोर लाग रहा है, क्योंकि पूरे शरीर पे पसीने आ रहे हैं ममता के, पसीना तर तर टपकन लाग रहा है, मेहनत खूब हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हार्ड वर्क है मैम, हार्ड वर्क। ऊपर तो फिर अपनी इतनी भारी पोशाक है, हाँ इसमें भी वजन हुआ है, हाँ तो हरियाणा की पोशाक के साथ साथ में यो भी, हाँ मतलब ये चीज है ना, आपने उसमें देखी होगी वीडियो में, लेकिन आड़ा जब खुद देखने लाग रहा है तो इस तरह ममता जी हमने बहुत सारी चीज देखी आपकी। यो मतलब है ना, जो कर इस पर डांस भी करके दिखाऊंगी, आपने डांस भी कर दोगे? हाँ
दिखा दो। बाकी ममता जी सिर पर रख रही है, मेरी नाद में न्योम लग रही है। मेरा ढोल कुए मैं लटका सा है, मेरा ढोल कुए मैं लटका सा है, मेरी पोरी पोरी मत मेरा जल मल कर शरीर पर सीने हो ले ना हो, मेरा जल कर शरीर पर सीने हो ले ना। भाई आजकल की छोरिया की अगर बात करें ना तो एक टोकनी को ना धरी जाती सिर पे बोझ की, न्यू न्यू न्याडल लगी एल को ना धरी जाती है, तो इतना ऊपर ती बैलेंस बना रखा है। तो ममता जी अब इसने उतारा। हाँ जी। तो भाई इब्बे तो टैलेंट खत्म को ना होया है, गणा गजब का टैलेंट है बेरानिया बेबे ममता ताई ने के खा कर पैदा करी थी। खड़े ते सिक्के है, इतना गजब का टैलेंट है। ले भाई मैं तो देखते रही हूँ। अच्छा ये भी दे दूँ। भाई मैं तो देख देख कर हैरान हो रही हूँ। और मेरे ख्याल से देख देख कर आप भी हैरान हो रहे होंगे। वाह वाह वाह। ये थाली का बैलेंस था। ये थाली का बैलेंस था। हाँ जी। और ऊपर दो टोकनी रखा है। हाँ, बोल रही हूँ ना तो। बोल रहे हो कि ऊपर टोकनी भी रखी है। हाँ। अच्छा। लो भाई तो चीजें खत्म को ना हुई है, बैलेंस ऊपर तो है तो नीचे भी गिलास रख रखे हैं। आप देखोगे एक दो तीन चार पांच और ये फिलहाल पतीले पे खड़ी है। और भाई मैं कहूँ कोसी बाढ़ करा ट्राई ना करियो हाथ गोडे तलवा लो। ये बेबे का तो बैलेंस कसूता है या होगी है एक गिलास पे, दूसरे गिलास पे, तीसरे गिलास पे, चौथे पे और भाई पांचवे पे, एक गजब का बैलेंस है। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई ये बागी है प्रयात पर, प्रयात पे भी कुछ टैलेंट दिखाना बाकी है ये ममता। हाँ जी मैम जी। मेरी ताई ने के खा के पैदा करी थी, मेरा ने के खा के पैदा करी थी, निकड़े थे सीखे हो टैलेंट। काज कर दिया पहला होया करते काज। अच्छा। न्यू तो है कोना जी, देखो हम बीरबल के आन के हाँ, यो तो इब 10 साल तक कति गुम होती जा रही है, पहला हमारी संस्कृति पीछे जा रही है। हाँ तो ये चीज मैं देखा करती गांव में। अच्छा ममता न्यू बताओ आप कि मतलब जिस प्रकार आप गिलासा पे बैलेंस बनाओ हो, सिर पे उका रख लो हो या सिलेंडर भी रख लो हो। मुंह में भी रख ली हूँ टोकनी, वो रह गया एक, वो लास्ट में करवा ली। अच्छा मुंह में भी रख लो हो। हाँ। दाता तो पकड़ लो हो। हाँ। मतलब दांत मजबूत है बेराना। कौन सी कोलगेट करो हो। इतने मजबूत दांत की दाता तो दातन करा करते हैं। भाई सही बात है, हमारी देसी चीजा में इतनी ताकत है। हाँ, बालकपन ते नीम की दातन करा करती। इब तब लगे का दी नीम नाम भी आड़ सी घाट पावे है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँ हूँ कि खेत ख्यात मैं मंगवा कर नीम की दातन करा करूँ। अच्छा काम भी कर लो सारा। हाँ जी। घर का कर लो हो। हाँ सारा कर लो। अच्छा नो बताओ ममता, देखो यो टैलेंट आपने कड़े ते सीखा, आपने बताया कि मैं बचपन ते देखा करती सीखा करती, मतलब स्कूल ते रह आयो शौक या फिर शादी होने के बाद सीखा? यो तो मैंने स्कूल ते ही था जो करे, अरे गांव में जो कर खोड़ी है गीत बाकली होया करती तो उनमें मैं जाया करती, जच्चा गाऊंगी बंदड़ी गाऊंगी न्यू करूंगी यो नाचूंगी वो करूंगी, अरे ये गडरिये गाडरिये बनिया करते खेल तमाशे ढाडी मूछ ला ला कर छोरे आले कुड़ते पैर के, मतलब ये चीज मैं तमाशे तो उससे मैं कराया करती। चलो वो तो हो गया एक नाटक की तरिया। हाँ लेकिन इस प्रकार जो कर आप बैलेंस बना रहे हो तो यो की तरह ट्रेनिंग ली है? ना ना कितना ट्रेनिंग नहीं ली, बस मैंने एक ताऊ नाचता देखा था, एक ताई। अच्छा। हाँ एक बात बताओ, देखो यो तो आपका टैलेंट है और आप सच में मतलब इतना टैलेंट आप में है तो आप लोगों की पहचाना हमारा काम भी है, क्योंकि जो टैलेंट है वो लोगों ने मेरा भी पहचाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे समस्या कितनी आई है? बस मत बुझो, अगर बताने लगे तो 3 दिन लग जाएंगे आपके भी। थोड़ा थोड़ा तो बता दो, हमारे दर्शकों ने बेरा पट्टा है कि मतलब जो टैलेंट है ना
मेहनत करनी पड़ा उसके पीछे यार, फिर समस्या भी बहुत सारी है, कोई समाज की समस्या हुआ है या और भी घर परिवार की समस्या हुआ है, तो थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शक जी। क्या करें जी, पहली बात तो यो टैलेंट है ना, भगवान गरीब भाई में देवे है, और गरीब मैं नहीं कहती कि मैं टैलेंटेड हूँ, बहुत सारे ऐसे दुनिया में है जो एक तो अकेला टैलेंटेड है, लेकिन किसी न किसी कारण उनका टैलेंट दबाका दबाया रह जा हुआ है, या तो गरीबी के कारण, या फिर उन आगे सपोर्ट नहीं मिलती, या फिर घर क्या की सपोर्ट नहीं मिलती, या फिर जो कर उन्हें दबा ले हैं, या फिर चलो उनके भी मिल जाता समाज दबा ले है, बेचारे छोड़ छाड़ दे है समाज के डरते, लेकिन वही मन ने हार नहीं मानी, चाहे कोई समाज आया, चाहे कोई घर के हो बाहर के हो, मरना तो है एक दिन, लेकिन यो टैलेंट तो संस्कृति तो हमारी कम तक कम जिंदा रहेगी भाई, न्यू सोच कर मैं पूरी लड़ाई लड़ी है। हाँ पूरी लड़ाई लड़ी है, तो मैं तो कहूँ भी हूँ सब दर्शका ने कि भाई जिसमें टैलेंट है ना मेरे तक संपर्क कर लियो, मैं कभी फ्री में टैलेंट सिखाऊंगी और आगे तक सपोर्ट करूंगी। अच्छा हाँ। तो देखो मतलब एक लड़की जब जाओगा मतलब शादी के बाद शुरू करा फिर आपने यो। हाँ जी मैम, यो शादी के बाद शुरू करा क्योंकि छोटी सी बालक सी उम्र में ब्याह दी थी, फिर आते बच्चे पैदा हो गए, फिर घर गृहस्थी में बढ़ गए, फिर एक यो इंस्टाग्राम मेरे खतरे मतलब मौत आजमन का आया। मतलब आपके लिए अच्छी चीज है। हाँ मेरे लिए अच्छी चीज है भाई, सोशल मीडिया कोई गलत चीज नहीं है अगर हम उन्हें सही तरीके से यूज करा तो, और सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि मैंने घर वीडियो बनाए मेरी वायरल होगी और आज विदेशों तक मतलब इसका नाम हो रहा है, इसका टैलेंट का संस्कृति का। और एक चीज और बता दे कि है ना, टैलेंट उम्र का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जिस उम्र में ममता ने न्यू देखा था कि बचपन में इन्हें वे चीज देखी थी, सीखने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद ममता की दसवीं क्लास में शादी होगी, दसवीं क्लास में होगी थी ममता जी, हाँ जी। तो उसके बाद बच्चे हैं, घर परिवार है, तो उन सारी चीजा में बिछड़ गई, लेकिन वो टैलेंट है वो फिर उभर का आया शामी, तो शादी के कितने साल बाद उभर का आया फिर? यो जी 12-13 साल बाद फिर शुरू कर दिया। हाँ जी। मतलब वो एक क्या कर रहा है बड़े बुढ़े एक चीज क्या कर रहा है कि उम्र के लिए तकाजा हुआ है, लेकिन अड़ा कोई तकाजा नहीं उम्र के लिए। ना ना बुढ़े होंगे ना कति जब तक भी नहीं छोड़ांगे जी, वो अपना इतना हाड़ गोडे चल रही इतने, क्योंकि घने जने इस फील्ड में लाने हैं ना। अच्छा हाँ। जिंदा रखनी है चीज। हाँ अकागेती चलती जावे। हाँ जी मैम, क्योंकि है ना आजकल की अगर छोरिया की बात करें जा तो फिर सेट दे लकड़ जा लकड़ जा भाई लकड़ जा। ममता जी जो आप बैलेंस बढ़ाओ ना, और आजकल अगर जो छोरी अपनी नई जनरेशन है तो उन पर एक सिर पर टोकनी को अंदर ही जा, उनकी न्याण न्यू नहीं बोल रहेगी जो शपरंग गाल रखा है, तो आपने देखी भी होगी शायद। हाँ हाँ देखी है, जो कई बार एक आदि गाम कति प्योर गाम में फंस जा नहीं नहीं छोरी तो वह टोकनी धर के चल है ना, न्यू न्यू करती चल हमने गावा। हाँ गाओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि इंस्टाग्राम तो आपने शुरू करी, आपकी वीडियो वायरल हुई। हाँ तो पहले आप गराई करा करती, तो उस तक आपने अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया फिर। हाँ जी मैम, तो आप बार भी जाओ हुई प्रोग्राम करने। हाँ जी मैम, जो राजेश सिंह पुरिया गुरुजी है उन्हें इंस्टाग्राम पर तब लाई मैंने, वो गुरुजी माने, फिर उन्हें मैं जो अपने वो है श्री महावीर गुड्डू गुरुजी उनने सेलेक्ट करी अपनी संस्था में, अपने हरियाणा कला परिषद में, और मेरे तक संस्कृति बढ़ाने का भी मौका दिया और मेरे तक रोजगार भी दिया। बिल्कुल। और भाई देखो एक बात बहुत बढ़िया कही ममता ने कि सोशल मीडिया है तो उसका अच्छा काम करो, अच्छा यूज करो ना, कि आप घर बैठे बैठे भी अपने टैलेंट ने दिखा सको। ममता ने वो ये चीज करी है, घर बैठे बैठे वीडियो बनाई और जो उसका टैलेंट था वो दिखाया इंस्टाग्राम पे, उसके बाद लोगों ने वह चीज पसंद करी क्योंकि ममता में टैलेंट था, और वह चीज वायरल भी हुई, और वायरल हुई तो आज ममता दूर तक पहुंच गई, और ममता अगर हो गया तो जल्दी विदेशा में भी पहुंच जाएगी। हाँ जी मैम, पहुंच जाओगे ममता जी। हाँ जी मैम, क्योंकि ममता यो हरियाणा का टैलेंट विदेशा में भी बखेरेगी जल्दी है। हाँ बिल्कुल। तो ममता जी देखो आप सारी चीजा तो गुजरे हो, क्योंकि एक महिला खातर बड़ा मुश्किल हुआ है समाज से लड़ना, परिवार से लड़ना, एक कदे ऐसा महसूस होया कि समाज से लड़ते लड़ते या परिवार से लड़ते लड़ते कि ना तो छोड़ देना चाहिए। वो है ना बस पूछो मन, ऐसा होया था कि मैं एकली पड़ गई थी, और जुकर मैं टोम थी कि कोई मेरा अपना है कि मैं उसने अपनी कोई मतलब बात बताऊं कि मेरे साथ नहीं बन गई, लोग बाग मैंने कुछ गलत सलत बोले हैं, तो जब भी मैं किसी अपने तो बताऊं थी वो इन कहते छोड़ दे फेरे, मैं पानी आ रहा है। हाँ कि छोड़ दे फेरे, क्या जरूरी है, तो दुनिया की ओट लाग रही, घर की ओट है, बाहर क्या की ओट है, और मेरे घर वाले भी बहुत मतलब अच्छी फैमिली था हूँ मैं, और खुले विचारा के हैं, आज की सोच के हैं,
उन्हें कहा करे कि संस्कृति और वो तो मतलब पुरानी वो है और सोच उनकी आज की है, संस्कार उनके पुराने हैं और सोच आज की है। तो उसे फैमिली में तम हूँ, लेकिन वे भी एक टाइम इतने भुंडे भड़का दिए थे, एक साल तक मैं उनते भी नाराज रही, वो मेरे ते नाराज रहे। जो आपके मायके वाले हैं? हाँ। अच्छा। और जो ये हैं, ये इनकी भी भाई के बुझ हो गया, आप हस्बैंड है, बढ़िया है, जीवन साथी मैंने बढ़िया मिल रहा है, मैं मैंने सपोर्ट करा बहुत, लेकिन ये भी तड़े तड़े जो करनु कुचरनी लगाने लगे थे ना, कि शिकाई बुकाई तो पत्थर नहीं फोड़ दिया। हाँ हाँ, इन तभी नु कहने लगे थे, एक लुगाए की कमाई खावे है, एक दुनिया सड़का पे नचेगी, एक दिन सावेगा है, इतने तो गाम राम की नाड़ कटवा दी, तू लुगाई का गेला गेला हंड है, ठाक दमन ठाक टोकनी, तने शर्म को ना आती, ये वो यो भी मैंने कहने लगे था, छोड़ दे यार को ना बोला, मैंने समाज जीण देता बाहर, क्योंकि लुगाई तोला काढ़ के चल पड़े, आदमी ने घनी मुश्किल होवे है। लेकिन आज जो दिन आ रहा है ना, एक मैंने खुशी भी बहुत मिल रही है, जो ये 13 तारीख गई है ना मैम, उस दिन मतलब 13 अक्टूबर ने रोहतक में प्रोग्राम था गुरुजिया का, स्टार नाइट थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था महावीर गुड्डू जी का। हाँ, वो रामलीला ग्राउंड में जो रामलीला होया करे ना उसके राज तिलक के बाद, तो रोहतक में हर चौक चौराहे पर अपने बैनर लगवा रखे थे गुरु जी ने, और मैं भी मतलब सरप्राइज हो गई थी, मैंने देखा कि अच्छा मुखा रोहतक में बढ़ते बैनर शुरू हो गए, तो गई तो स्टेज पर भी बैनर उड़ा के सारे किते के बैनर बैनर थे, तो घर क्या क्या कितने कितने देखे होंगे, या कुछ भी लगा लो उनका भी नहीं होगी अखन है, ममता के तो बेबे के तो है ना जो बैनर लाग रहे हैं, चलो चल लेंगे देखन, तो वो भी आ गए, पूरी फैमिली आ गई, आधी घरा रह गई, आधी का आ गई, जो कुरबान आ गए, पड़ोसी आ गए, अड़ोसी आ गए, सारे आ गए, तो मैंने बहुत घनी खुशी हुई कि देख आज मेरी फैमिली मेरा दौर लाइव देखने आई है। तो फिर मेरी माँ ने फोन करा कि ठहरे अके माँ मैं दीदी का लाइव प्रोग्राम देखू, अरे दीदी तो हरियाणा न्यूज पा रही है, तो मेरी माँ भी है ना मतलब पड़ोस में जा जाकर बोली कि मेरी छोरी का प्रोग्राम मारा दिखाई हो। बसवंता जी आपने मेहनत करी है, वो मेहनत का आपने फल मिला है बिल्कुल। तो मैंने ना मतलब मेरी माँ मतलब जास थी इतना हौसला रखा, तो ही भागे भी हौसला रखो। तो फिर तो मेरे परिवार वापस मिल गया। हाँ, वो नहीं सूर्यवंशम फिल्म में मतलब चोरी चोरी देखना भी चाहे थे। हाँ। अरुण कन्यू भी हो रही थी, काम इसमें नाटा भी थे एक दिन। हाँ। तो इस करके ना आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने मुकाम तक भी पहुंच रही हूँ, और आगे भी मेरा यू सपना है कि मैं बॉलीवुड तक जाऊं, और पैसा का मैंने कोई लालच नहीं, बस मैं अपनी संस्कृति ने दूर तक फैलाऊं, टैलेंट ने फैलाऊं, और आने वाली जनरेशन ने भाई गुंडागर्दी में के दरिया है भाई, हार्ड वर्क है, मेहनत करो, एक दिन भगवान भगवान भी मजबूर हो जाए मेहनत, अगर सीधी नीत तक काम करोगे तो भगवान भी जरूर सुना है। हाँ, और समाज वाला का क्या है, समाज वाले तो मैंने गोली फांसी खुआ दी इतने इतने दिन में, वो तो मैं अकेली ना पड़ी, क्योंकि जब मैं अकेली थी जब उस टाइम में भगवान ने याद करा कर दी कि आज मेरा कोई नहीं यार, मैं तो फंस गई हूँ, छोड़ू तो मरगी और आगे बढ़ू तो मरगी, तो लेकिन आज सब लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। नहीं आ रही, और भाई सच में इससे का नाम जिंदगी है, ममता ने हिम्मत नहीं आ रही, और ममता के जो बात सुनते हैं सच में हम भी भावुक हो गए, हमारा जीवन की एक महिला ने इतनी सारी, और आज वे लोग नु कहते होंगे जो नुकया करते ना तो शायद अपने जो सगे संबंधी भी हो गए ना वे भी नु कहेंगे भाई हम को ना जानते, और जब आप अच्छा काम करके फेमस हो रहे हो, लोगों तक पहुंच रहे हो, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं आड़ की पसरैड़ दादा की ससुरैड़, तो मतलब दूर दूर तक के रिश्तेदार भी आकर कहेंगे मारी बहू है, मारी बेटी है, ये सच्चाई होगी ना ममता जी। और जी रही रोजगार वाली बात, तो सोशल मीडिया ने भी मेरे तो रोजगार दे दिया, गुरुजी ने भी रोजगार दे दिया, अरे एक कलाकार ने तो स्टेज पे ना वो क्या करे, कलाकार ने ताली और जीजा ने साली, उससे तो बहुत खुश हो जाया करे कि दो वक्त की रोटी मिल जाओ कलाकार ने और पब्लिक का प्यार मिल जाओ, तो वो प्यार आज मैंने मिलने लग रहा है, और जिस हालत में हम थे ना मैं उन तरारा जवाब भी दिया कर दी कि भाई तुम मेरी फैमिली का गुजारा चला दो, मेरे बच्चा ने पढ़ा दो, मैंने क्यों तुम तंग करने लग रहे हो, तो वे के सारा लगा दे है, कोई नहीं लगाता, नीचा दिखावे है बात बात पर नीचा दिखाने का काम हुआ है, बस समाज का तो चौधरी बन जाए बड़े बड़े। बिल्कुल। तो भाई मैं कहूँ वैसे तो बहुत सारी फैन फॉलोइंग है ममता की, लेकिन फिर भी अगर फिर भी किसी ने नहीं देखी हो तो शेयर कर दो दबा कर, ताकि यो टैलेंट है ना लुकना नहीं चाहिए।
जी सबके शामिल होना चाहिए। अब तो अइबत ममता अपने इसमें जा है, लेकिन बाहर विदेश में भी वो टैलेंट पहुंच जाएगा जल्दी ही, और ऐसे टैलेंट को चलो कुछ बोलना चाह रहे हो, बोल दो डेट बहुत जल्दी आपको बता दूंगी। अरे इस हरियाणवी संस्कृति ने जो बढ़ान खतरा आपने मेरा सहयोग दिया, साथ दिया, उसके लिए मैं सदा सदा के लिए आपकी आभारी रहूंगी, और आगे भी मेरा न्यू साथ दियो, क्योंकि जब आपने फैन फॉलोइंग मेरी बढ़ाई है तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों का हौसला मिला है कि भाई बाहर के लोग, हाँ बाहर के लोग मेरी वीडियो ने देखना पसंद करे हैं, तो मैंने शायद हार नहीं मान ली। तो अगर वो परिवार साथ में था, हाँ, सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया वाला परिवार मेरा साथ में था, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक, उनने मेरे तक कमेंट्स करे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया कि आप हरियाणा की शान, देखो अपने मुंह तक तो अच्छा नहीं लगता अपनी बढ़ाई करना, लेकिन ये कमेंट्स कर करके ना कहीं आप लोगों ने मेरे बहुत बहुत सहारा दिया है और कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सदा सदा के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। अरे भाई एक चीज हम बता दें, अगर किसी में सच में टैलेंट है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो टांग ना खींचा करो। अरे भाई मेरे दो राजियो, अगर ये इस तरह का कोई भी टैलेंट है आपने सीखना है तो आप इसको ममता दो रहे खुले दरवाजे हैं। हाँ। और भाई सपोर्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल, तो सपोर्ट करो जो आप टैलेंट भी है और अपना काम भी बड़े अच्छे से चला रही है। हाँ जी, तो राम राम जी सबने, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हिंद।